नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूँ विकास गोस्वामी। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं रसेत ग्राम सभा में और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे तमाम ग्रामीण। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो 5 साल चुनावी पंचवर्षीय के 5 साल लगभग पूरे होने वाले हैं, ऐसे में यहाँ के प्रधान ने क्या काम किया और गाँव वाले उनसे उनके काम से कितना संतुष्ट हैं, इन तमाम मुद्दों पर गाँव वालों से चर्चा होगी। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? सलीम नाम है। 5 साल आपके ग्राम के आपके गांव के प्रधान कौन है? दुर्गेश प्रधान। क्या क्या काम उन्होंने किया है और उनके काम से आप कितना खुश हैं? आगे आ जाइए। काम तो खुश हैं, सब कॉलोनी दिए, सब कुछ कर रहे हैं। कॉलोनी आपको मिला है? हाँ, मिला है। क्या नाम है आपका? राजेश। काम हुआ है? हाँ। कितना काम हुआ है? जितना चाहें उतना कराए हैं काम, अभी हो भी रहा है काम। क्या काम हो रहा है? लैट्रिन बन रहा है। प्रधान जी पर्सनली पैसा वैसा देते हैं? नरेगा का पैसा मिलता है, हम लोग काम करते हैं। पर्सनली पैसा देते हैं? नहीं, नहीं। बतिया तो ऐसे रहे हो? नहीं, क्या बतिया। क्या नाम है भाई? राजेश। राजेश नाम है। हाँ। प्रधान जी विकास किए हैं। क्या नाम है भाई आपका? सुन्नी लाल। घर घर शौचालय मिलना है, सबके घर में शौचालय है। हाँ। तो रोड पे गंदगी कहाँ है? गंदगी है, लोग मन बड़ा करते हैं, लोगों को मना किया जा रहा, लोग सुनते नहीं है। तो कार्रवाई के लिए आप लोग कहीं बोलते हैं प्रधान जी से? शिकायत उकायत करते हैं प्रधान जी? क्यों नहीं लोगों को मना करते? शिकायत करते हैं लेकिन वो लोग मानते नहीं हैं। क्या करें, प्रधान उसको मारेंगे नहीं ना, गाली नहीं सुनेंगे। चाचा इसी गांव के हैं? हाँ, गांव सभा तो हमारे दूसर है, लेकिन हमारे लोगों का खेती सीमे है। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो गाँव में अले के बाद साफ सफाई नजर आवेले सब कुछ जन्ना सरकार देती है, वो काम करता हमें। अब जनता जाके चूल्हे में हो गए तो करे कर दिन प्रधान जी का करिए, खाए के मुँह में कवन नन प्रधान डरी है जोन बात। तो आप इस गांव से नहीं है? कहाँ, इस गांव से आप नहीं है? इसमें हमारी खेती बाड़ी सब कुछ है, लेकिन गांव नहीं है ना, वोट यहाँ पे नहीं। नहीं, 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 हम आपको बता दें यहाँ के वोटर नहीं है, लेकिन यहाँ के प्रधान जी के बारे में काफी तारीफ कर रहे हैं। यहाँ पे गाँव की कुछ महिलाएं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। आवास मिलल बा? आवास मिलल बा? हाँ, मिलल बा। आवास कितना पैसा मिलल रहा? पैसा जेना मिलल रहा ना मिलल 1200। अरे जोगिंदर रहा हमारे, हम कह रहे हैं 12000। जानकारी का अभाव है थोड़ा, मतलब कि आप? अच्छा अच्छा अच्छा। क्या नाम है आपका? सावित्री। आवास वास है आपके घर पे? शौचालय बना है? प्रधान जी बढ़िया काम किए, खराब काम किए? नहीं, ठीक कहले, बढ़िया कहले। बढ़िया तो करता बाटे प्रधान, ठीक है कहले। बताइए ठीक, सब बढ़िया करत हो? पहले हाँ, पहले ले तो एक नंबर का कार कर। शौचालय आपके वहाँ बना है? कितना रुपया मिला था? लैटरी बना हुआ है, 12000 मिलल है। 12000 पूरा दे? हाँ, पूरा ले ले। 1 रुपया उसमें से रखे नहीं थे? नहीं, 1 रुपया नहीं दे। हाँ, हम 12000। ईमानदार प्रधान है। आपको बता दें यहाँ पे बगल में यहाँ पे शौचालय बन रहा है, हालांकि शौचालय विद्यालय परिसर के बाहर है। और यहाँ पे और भी ग्रामीण हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम विदेशी। काम भइल बा? और काम भइल बा, जे करोल बा वह जानी, हम कि नहीं मालूम बा। काम नहीं भइल बा? बाहर रहते हैं, शहर में रहते हैं। अच्छा, हम तो मांगते रह गए, वो घर बनल रहा वहीं में दे दे, हम बनवा ले ढंग से। नहीं देना? नहीं देना, अपन घर का जो रहा थे वो अपन। आवास नहीं मिला? आवास मिला? आवास नहीं मिला है? तो वहाँ मिला है ना? हाँ, उनको बताइए आवास मिला है। कहा था मन घर मिला लाल है, तो मन वहाँ बनवानी, वहाँ जा काली की ढंग से हम बनवा ले तो वहाँ ही मिला। अच्छा, अजय परिवार रहा है तो वो अपन उल्टा पलटा कह के बनवावले है, पूरा पैसा वो नहीं मिला है। पैसा ना, पैसा का नाम पूरा पैसा नहीं मिला ना? नहीं मिला बा। कितना पैसा मिलल? खाली वो दीवार वाले चला के बस वैसे ही रह गई बा, दरवाजा कहीं कुछ नहीं लगल। दरवाजा नहीं लग पौल न? ऊपर छदनी पर पौल। कितना रुपया तब मिलल लाल हुई? हमके आशा 6000 मिलल लाल है। 6000 मिलल लाल? कॉलोनी की, कॉलोनी के 6000 में कौन दीवार चलवाई हुआ चाचा? ना 1 लाख की बात कर रहे हो? ना ना, 1 लाख आवास आवास जो घर बनेला। कितना मिलल है? हाँ, अच्छा वो मिलल लाल। अच्छा, तू शौचालय की बात कर रहा था? शौचालय बात, शौचालय में 6000 मिलल लाल? अरे राम, आधा पैसा मरा गई पूरा है इनका शौचालय था।
अच्छा अच्छा वन बात कहली तो जब बन गया तो सरकार चेक मिलत वाला है। तो यहाँ पे तमाम ग्रामीण हैं और आपको मैं बता दूं कि जो गांव का अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो तमाम लोग हैं यहाँ पे जो तमाम लोग हैं उन सभी लोगों का ये मानना है कि लगभग प्रधान ने हर काम किया। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे हमारे ग्राम प्रधान भी आ चुके हैं, इनसे भी हम बातचीत कर ही लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इनसाइड भारत टीवी पर प्रधान जी। सबसे पहले तो आपको इस बात की बधाई, सिर्फ इस बात की बधाई कि आपके गाँव में लगभग सभी लोगों ने आपके काम की सराहना की, लेकिन गाँव में जब हम लोग इंटर कर रहे थे तो सफाई की थोड़ी कमी दिखी, क्या वजह है? सफाई, बच्चे छोटे छोटे आ जाते हैं सड़क पर, बैठ जाते हैं, उनके घर पर जाके बोलते भी हैं गार्जियन को, लेकिन नहीं मानते हैं, थोड़ा सा हो जाता है। लगभग हर घर में, जैसे कि प्रधानमंत्री का एक मिशन है स्वच्छ भारत मिशन, और उन्होंने इसके तहत अभियान चलाया है, काफ़ी पैसे भी वो लोग खर्च कर रहे हैं कि हर घर में शौचालय हो जाए। तो आपका जो गाँव है ODF के अंतर्गत आ चुका है या फिर अभी आने को बाकी? आ चुका है जी, आ चुका है, यानी कि हर घर को आपने शौचालय दे दिया है। उसके बाद भी क्यों लोग बाहर जाते हैं, क्यों नहीं आप लोग कार्रवाई करते हैं या फिर मना करते हैं, कुछ ऐसा कोई प्रावधान? क्योंकि गांव की जो सुंदरता होती है, कोई बाहरी आदमी जैसे आज हम ही आ गए तो थोड़ा सा बेइज्जती तो महसूस होती होनी चाहिए गाँव वालों को, भाई हमारा गाँव साफ सुथरा रहे। चलिए, इसीलिए तो सरकार सामुदायिक शौचालय बनवा रही है, बना रहे हैं। जो लोग का नाम है, मान लीजिए कभी कल आ जाएंगे तो इसमें चले जाएंगे, सर सफाई हो जाएगी। तो मतलब कि अब थोड़ा सा समुदाय शौचालय पे भी आ जाना है, तो क्या ये विद्यालय परिसर के बाहर है या फिर विद्यालय परिसर के अंदर? यहाँ स्कूल के नाम से कोई जमीन नहीं है। अच्छा अच्छा, और इसके परिसर के बाहर है स्कूल के। ये बात मैंने इसलिए पूछी क्योंकि अब बगल में ही विद्यालय, बच्चे यहाँ पे पढ़ने आएंगे, तो थोड़ा सा साफ सफाई का जो ध्यान है वो आपको ज्यादा रखना पड़ेगा यहाँ। हाँ, तो होगा, रखा जाएगा, ताकि बच्चों को पढ़ने में दिक्कत ना हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, दिक्कत नहीं। अच्छा, स्कूल अभी तो खैर लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल की व्यवस्था क्या है? स्कूल ठीक ठाक से यहाँ पे चलता है, मास्टर लोग आते हैं? हाँ हाँ, सब लोग आते हैं, ठीक ठाक चलता है, यहाँ कोई कमी नहीं है मास्टरों में। क्या लगता है चुनाव आने वाला, जीतेंगे? बिल्कुल, जनता साथ है, जीतेंगे। कॉन्फिडेंस बोल रहा है, अभी तक सही है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और उम्मीद है कि जो आगामी चुनाव है, एक बार फिर से अगर आप काम किए होंगे, खैर गांव वाले तो जो बता रहे हैं उस हिसाब से तो खैर आप जीतते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन असल जो मुद्दा है गांव के चुनाव में, मैंने एक चीज और सुना है, जब चुनाव आता है पैसा और दारू बहुत बढ़ता है, आपके वहाँ क्या हाल चाल है? नहीं, हमारे यहाँ दारू पैसा तो खैर, हम तो बहुत कम खर्च में जीते हैं, जनता के मतलब पहले से ही लगे थे जनता बात व्यवहार पे, इसलिए पैसा वैसा का यहाँ कोई बात नहीं है लेन देन का। हाँ, स्वच्छा सब लोग दिए हमको और हम जीते। और वो जो दारू वाला सिस्टम है? नहीं नहीं, दारू वाला सिस्टम तो ये तो है, मतलब कि गांव में अक्सर सुनने को मिलता है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लगभग सारे ग्रामीण और ज़्यादातर लोग, एक ऐसे व्यक्ति मिले जिन्होंने थोड़ा सा नाराज़गी जताई प्रधान जी के खिलाफ, और ज़्यादातर लोग खुश हैं काम से अब, लेकिन अब असल में क्या है और क्या नहीं है ये तो चुनाव जब होंगे उसके बाद पता चलेगा। क्योंकि कोई भी प्रधान रहे, काम कितना करवाया है, जनता उनसे खुश है या नहीं है, ये असल में चुनाव परिणाम ही बताता है। कैमरे के पीछे है संजय, मैं विकास गोस्वामी, इनसाइड भारत टीवी।